आप देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एंटी एक्ने पिंपल्स हो गए हैं तो उसके लिए आप कैसे अपने लिए मास्क बना सकते हैं। तो इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ों का पहली चीज़ तो यूज़ करने वाले हैं। पहले मैं बता देती हूँ क्या क्या चीज़ यूज़ करने वाले हैं और इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली चीज़ है नीम पाउडर। आप कोशिश करें हर्बल नीम पाउडर यूज़ करने की, आपको किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर या ऑनलाइन स्टोर पर इजीली मिल जाएगा। मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, आप कहीं से इसको कर सकते हैं। नीम पाउडर के ये फ़ायदे, तो नीम वैसे भी एक्ने को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, हम सब जानते हैं, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और नीम का तो आप फेस वॉश करो, पैक लगाओ, स्क्रब लगाओ, आपके एक्ने डेफिनेटली कम होते ही हैं नीम पाउडर से। दैन सेकेंड चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो है रोज़ पाउडर। तो जो रोज़ पाउडर है इसका ये बेनिफिट है कि आपकी स्किन को सॉफ्ट बना देगा, प्लस ये भी पिंपल को ख़त्म करने में मदद करेगा, पिंपल के जो स्पॉट्स रह जाएंगे उसको कम करने में मदद करेगा, आपकी स्किन को एक सिल्की सॉफ्ट स्मूथ फील देगा, एंड ये आपकी स्किन को आफ्टर ऑल ये दोनों चीज़ बहुत ब्राइटन भी बनाएगा। एंड फिर हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी पिंपल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपके पास रोज़ पाउडर या नीम पाउडर तो आपको लेना ही लेना है, अगर आपके पास रोज़ पाउडर नहीं है इनकेस तो आप रोज़ पाउडर की जगह सैंडलवुड पाउडर यानी चंदन पाउडर या फिर एलोवेरा का भी पाउडर मिलता है ऑनलाइन, आप वो ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे रोज़ पाउडर था तो मैंने ये लिया, आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। फिर एलोवेरा जेल हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी पिंपल रिड्यूस करता है ये, तो आप इसको तो ज़रूर यूज़ करना, इसको स्किप मत करना। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो, अगर आपके पास जैसे एलोवेरा जेल नहीं है इनकेस, तो आप एलोवेरा की जगह आप हनी का यूज़ कर सकते हैं, रॉ हनी, ठीक है, यानी रॉ हनी यूज़ करना है आपको, रॉ वाला ही यूज़ करना है, क्योंकि अगर आपने रॉ वाला नहीं यूज़ किया तो फिर वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। देन रोज़ वाटर, रोज़ वाटर में कोई पैराबेन वगैरह नहीं होते, तो ये एक अच्छा एक बैटर को कंसिस्टेंसी भी देगा और अच्छा सा मान लिया पैक भी बना देगा और स्किन को रोज़ फील देगा, सॉफ्ट बनाएगा, स्मूथ बनाएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन क्लिक कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। एंड फ्रेंड्स, अगर इनकेस आपके पास नीम पाउडर नहीं है या आप ऑनलाइन भी नहीं ले पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो नीम पाउडर होता है आप इसको सुखा, नीम की जो पत्तियाँ होती है आप थोड़ी सी नीम की पत्तियाँ ले लीजिए, उनको सुखा लीजिए धूप में, और फिर उनका पाउडर आप नॉर्मल जो मिक्सर होता है उसमें ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए, या आपका नीम पाउडर हो गया। और रोज़ पाउडर की जगह मैंने बताया आप सैंडलवुड पाउडर या फिर एलोवेरा का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास रोज़ पाउडर घर में बनाना चाहते हैं तो आप कुछ गुलाब के फूल ले लीजिए और उनके जितनी भी पंखुड़ियाँ हैं वो निकाल दीजिए, और आपको धूप में उनको 3 से 4 दिन सुखाना पड़ेगा जब तक वो पूरी तरीके से ना सूख जाए, और उसके बाद मिक्सर में उनको भी ग्राइंड करके उनका पाउडर बना लीजिए। तो आप फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे आप इन सब को मिला के अपने एंटी एक्ने के लिए मास्क बनाने वाले हैं, और मैं जो मास्क बताऊँगी ये डेफिनेटली आपके एंटी एक्ने को कम करेगा। अगर आप इसको हफ्ते में 1 से 2 बार भी लगाते हो तो आपको 2 ही हफ्ते में फ़र्क दिखेगा कि आपके एक्ने कितने कम हो गए हैं। और अगर आपको मैं इसके बाद वाला जो वीडियो डालूंगी उसमें मैं बताऊंगी कि एंटी एक्ने पिंपल्स अगर आपको हो गए तो उसकी रूटीन के लिए आपको क्या करना है, तो वो भी देख लेना, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि हम कैसे उस पैक को बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लेंगे नीम पाउडर, जो मेन चीज़ है आज की हमारी इस रेमेडी का। तो मैंने यहाँ पे वैक्यूम पैक वाला लिया क्योंकि ये ज़्यादा बेटर होता है, देखो बिल्कुल नीम की तरह का ग्रीन कलर है, मैं अभी आपको निकालूंगी तो और क्लियरली दिख जाएगा। तो आपको एक ही स्पून यूज़ करना है मेजरमेंट के लिए, सेम स्पून जो आप इसके लिए यूज़ करेंगे वो आप यूज़ करेंगे। तो 1 टीस्पून मैं यहाँ पे नीम पाउडर का ले ले रही हूँ। इसके बाद ये है रोज़ पाउडर, तो मैं रोज़ पाउडर को भी यहाँ पे 1 टीस्पून ले लूँगी। घर में भी बना सकते हैं, रोज़ पाउडर या नीम पाउडर जो आप ले रहे हैं वो आपको हर्बल ही लेना है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, केमिकल वाला आप ना लें बेटर। ये मैंने 1 चम्मच यहाँ पे रोज़ पाउडर ऐड कर दिया है। तो ये नीम पाउडर और रोज़ पाउडर को पहले हम इन दोनों को आपस में मिला लेते हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और बैटर भी अच्छे से बन जाए, बैटर को बनाने में कोई दिक्कत ना जाए। तो ये मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है। इसके बाद एलोवेरा जेल, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो मैंने यहाँ पे बायो केयर का एलोवेरा जेल लिया है क्योंकि ये फेस के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, प्लस ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता,
तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टेस्टस्पून पूरा एलोवेरा जेल ले रही हूँ। मैं बता चुकी हूँ एलोवेरा जेल अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो हनी ले सकते हो एक टेस्टस्पून। इसके बाद मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ गुलाब जल। मैं ले रही हूँ डाबर का गुलाबरी गुलाब जल। आप किसी भी तरीके का कोई भी गुलाब जल यूज़ कर सकते हो। इसको भी मैं यहाँ पे 1, 2 and 3 टेस्टस्पून हम यहाँ पे गुलाब जल डालेंगे। और फ्रेंड्स इसको मिलाने के बाद अगर आपको लगता है अभी भी अगर आपका बैटर थोड़ा सूखा सा है तो आप और गुलाब जल ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। हमको इसको एक पतला सा बैटर, पतला भी नहीं ज़्यादा और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, एक मास्क की तरह इसको। फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं कैसे इसमें एक डार्क सा ग्रीन टाइप का एक कलर आ गया है। ये सब कुछ मिक्स हो चुका है एंड अब हम इसको पुट ऑन करने के लिए रेडी है। एंड डेफिनेटली ये मास्क आपके जो एक्ने हैं उसको काफ़ी कम करेगा। तो मैं आपको अपने हैंड्स पे इसको पुट ऑन करके बताने वाली हूँ। ये कुछ ऐसे पाउडर हमने यूज़ किया तो कुछ इस तरीके से रहेगा ये मास्क। हम इसको ऐसे स्ट्रेटली लगा लेंगे और अब आपको इसको लीव कर लेना है 5 to 8 मिनट्स के लिए। यानी थोड़ा सा वॉश करके आ गई, आप देख सकते हैं डिफरेंस, एक तो ब्राइट भी हो गया प्लस फेस में लगाओगे ना तो एक्ने भी आपके बहुत कम हो जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन क्लिक कर दो, वीडियो लाइक कर दो, कमेंट में बताना कैसा लगा। तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो जो डालने वाली हूँ वो होगा एक्ने प्रॉन स्किन के इस रूटीन के लिए, तो वह आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ने के लिए आप ये मास्क भी लगा सकते हो, प्लस वो जो रूटीन बताऊँगी वो भी फॉलो करोगे ना तो डबल स्पीड से एक्ने कम होगा। तो आप वो भी देख लेना, इसके बाद उसी की शूटिंग करने वाली हूँ तो वो भी देख लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।